हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो देख लो यार, आज 8 डे एंड 8 वीडियो, तो कंसिस्टेंसी देख रहे हो कितनी बढ़िया हुई है। सो एनीवेज, सब्सक्राइबर एक भी नहीं बढ़ रहा, बढ़वा दो यार, कुछ तो करो। सो एनीवेज, कमिंग बैक टू द मेन टॉपिक, सो एज एवरीवन नोज दैट आज इसुजु ने विक्रॉस फेसलिफ्ट थोड़ी सी लॉन्च करी है, नॉट फेसलिफ्ट बट पहले जो उनका वर्जन आता था वो BS4 होता था एंड अभी वाला जो आ रहा है वो BS6 है। सो ज्यादा डिफरेंस नहीं है, एक्चुअली में डिफरेंस है भी थोड़ा इंजन में, क्योंकि पहले जो आ रहा था वो 2.5 लीटर का था। तो बेसिकली अभी इस वीडियो में ज्यादा कुछ डिटेल्स आउट हुई नहीं है, टेस्ट ड्राइव वगैरह के लिए जा नहीं सकते। सो जो कुछ है लाइक अभी वर्बली बताता हूँ, यानी इमेजेस वगैरह है उनकी सारी। सो बेसिकली क्या है कि वीडियो में 3 पार्ट्स रहेंगे, एक तो इंजन में क्या क्या चेंजेस है, एक वेरियंट्स कौन कौन से आए हैं, द फीचर्स एंड द प्राइजेस। तो ये 3 चीजें हैं। सो अभी जो इंजन आ रहा है वो 1.9 लीटर का है, जिसमें 12 bhp बढ़ा दिए ऑलरेडी। सो पहले अराउंड 151 थी, जो 163 कर दिया है, एंड टॉर्क भी अच्छा बढ़ा है, लाइक 10 Nm से बढ़ा है, वो भी 360 Nm का टॉर्क अब मिलता है 2 से 2500 rpm पे। सो विच इज या गुड थिंग। एंड टॉकिंग अबाउट V-Cross, सो अच्छे से लाइक 30-35 लाख सेगमेंट में जो गाड़ियां आती है इस रेंज में, 30-35 लाख की रेंज में, उनको भी बहुत अच्छे से बीट करती है। एंड लाइक मैंने सबकी टेस्ट ड्राइव ली हुई है, सो बस बेसिकली डिफरेंस ये कि वो 7 सीटर हो जाती है और ये 5 सीटर है, एंड इसको एज अ पिकअप ट्रक ही कहते हैं, गाड़ी तो कोई नहीं बोलता, बट हर एक के टेस्ट की बात है यार, मतलब हर बंदे को नहीं पसंद आती। सो मैंने जो एक्सपेक्ट करी थी वो थोड़ी अलग थी, क्योंकि थाईलैंड में ऑलरेडी 1-1.5 साल पहले एकदम नया वर्जन इसका लॉन्च हो चुका है, सो आई वॉज एक्सपेक्टिंग दैट कि इस बार ही वो होगा, बट एनी वेज क्या पता 2022 में हो जाए वो, बाकी देखते हैं। एंड कमिंग बैक टू द वेरियंट्स मॉडल्स, सो अभी एक हाईलैंडर करके आता है जो एकदम बेसिक है, वो है 16.98 लाख का है, जो एक शोरूम है तमिलनाडु में अभी दिखा रहा है उसका प्राइस, एक शोरूम है मुंबई दिल्ली में भी ऐसी है 17 लाख के आसपास। फिर उसमें आता है एक 2-व्हील ड्राइव उसके बाद, तो ये जो 2-व्हील ड्राइव का चक्कर है ये सारा वही है जो कैरियर वगैरह के लिए यूज करते हैं इसको, लाइक लोडिंग इन वगैरह के लिए, जैसे थार में एक आपका लाइफस्टाइल आता है, एक एडवेंचर आता है, तो इसमें एक लाइफस्टाइल वाला भी आता है। बेसिकली 3 है, जी एंड जी प्रेस्टीज, तो जी में भी लाइक 2 है, 2-व्हील ड्राइव एंड 4-व्हील ड्राइव, लाइक मैनुअल एंड ऑटोमेटिक। सो जो लाइक मैनुअल की प्राइसिंग रहती है वो 21 लाख की है, 20.98, एंड जो ऑटोमेटिक है वो है 25 लाख, 24.50 के करीब है वो, तो मतलब डिफरेंस काफी है इस बारी प्राइजेस में। सो वो मैं एक बारी स्क्रीन पर आपको शेयर कर दूंगा। सो ये तो हो गया प्राइजेस का, एंड फीचर्स, एंड अगर फीचर्स की भी मैं इसकी बात करूं तो बाय LED प्रोजेक्टर लेंस आता है अब इसमें, एंड LED DRS पहले भी थी अब भी आती है, एंड जो पीछे की टेल लाइट्स है वो भी LED है, एंड साइड से पहले कई बार ये लोग लाइक एसेसरीज भी देते थे, बट अब स्टॉक आता है 18 इंच के अलावा, ऐसे डायमंड कट है जो पहले भी आ रहे थे, 7 इंच का टच स्क्रीन दे रही है कंपनी, एंड ABS EBD एयरबैग स्टैंडर्ड है फ्रॉम हाईलैंडर टू द 4-व्हील ड्राइव वाला ऑटोमेटिक जी प्रेस्टीज। एंड फिलहाल लाइक अभी इतनी डिटेल्स उन्होंने इसलिए स्पेसिफिकेशन कम, फीचर्स कम ही रखे है, क्योंकि हो सकता है 2022 में जो नया मॉडल है, क्योंकि आप देख सकते हैं जो थाईलैंड वर्जन है इनका, क्योंकि बेसिकली कंपनी भी थाईलैंड की है, सो जो वो वाला वर्जन है उसमें काफी ज्यादा एडिशनल फीचर्स है, पूरा डैशबोर्ड सब कुछ चेंज्ड है, और प्लस इसमें एक इन्होंने रूफ पे 2 स्पीकर्स ऐड करे सराउंड साउंड अच्छी करने के लिए, एंड ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल भी आया है। सो चीजें डाली है, बेसिक चीजें पता लगी अभी कार के बारे में, ज्यादा कुछ तो नहीं पता लगा। सो क्योंकि एक्चुअली में एक अलग से फेसलिफ्ट नहीं है ये, बस थोड़ा सा BS6 नॉर्म्स के चक्कर में कुछ ऊपर नीचे करा है इन्होंने, बट प्राइजेस बढ़ा दिए वो परी कर दिए। सो मेरी मानो यू शुड बाय दिस ऑन आउट, सो आई वुड से कि अभी थोड़ा वेट कर लो, हो सकता है थाईलैंड स्पेक वाला वर्जन है, क्योंकि वो देखने में बहुत ज्यादा सुंदर है, लाइक कभी मेरे को लेनी नहीं होगी, लूंगा मैं एक दिन तो पक्का लूंगा, तो मैं थाईलैंड स्पेक वाली लूंगा, देखने में ज्यादा सुंदर है। एंड बाकी ये तो आगे से थोड़ी मतलब देसी सी कर दी, मतलब वो जापनीज लुक नहीं है जो एक आती थी ना Isuzu की, तो बाकी क्लिप एंजॉय करो, एंड जाते जाते सब्सक्राइब कर देना यार। I want the whole world in the palm of my hand. I got a plan, I'm the man, now I'm teaching the game.